नमस्कार, एक बार फिर मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो अगर आप में से जिन लोगों ने भी हिमाचल प्रदेश के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के जिस एग्ज़ाम के लिए आपने अप्लाई किया था, तो जो कलर के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके जो डेट एग्ज़ाम की वो डिसाइड कर देगी। 28 अप्रैल को आपका इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। क्लर्क, जो क्लर्क क्लास थर्ड की पोस्ट थी, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है, इसको आप देखिएगा। और इसके बाद हम एक और नोटिफिकेशन, एक और नई पोस्ट की जानकारी आपको देंगे, ठीक है, वो भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर देंगे हम, ताकि बार बार आपको वीडियो ना देखने पड़े। 28 अप्रैल 2019 को क्लर्क आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 10:30 से 12:00 तक दिन में। और जो एग्ज़ाम है वो सेंटर इसके धर्मशाला, शिमला, मंडी में 3 जोन में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। तो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था जिस पोस्ट का, वो है advertisement1/2019, ठीक है, और 3 जनवरी 2019 को ये निकला था, ठीक है। आपने, आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था। तो आज है 13 मार्च, ठीक है, तो आज ये नोटिफिकेशन आई है, वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इसके साथ एक और नोटिफिकेशन हम आपको जानकारी दे देते कि अलाइड का एग्ज़ाम कब है, तो अलाइड के लिए भी जानकारी आई है, तो वो भी हम आपको जानकारी दे देते, ठीक है। क्लास थर्ड ये कलर की जो पोस्ट है, इसका पेपर है आपका 28 अप्रैल को 10:30 से 12:00 तक आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप इसको तैयारी इसकी शुरू कर दीजिएगा। जनरल नॉलेज इसमें बहुत पूछे जाते हैं और यही सब आएगा इसमें। तो अगर आपको चाहिए तो हिमाचल प्रदेश की जितने भी एग्ज़ाम होने वाले उसके रिलेटेड हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर चैनल हिम तक पर दिए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। तो अगले नोटिफिकेशन की बात करते हैं अब। तो अगली नोटिफिकेशन है हिमाचल प्रदेश सब ऑर्डिनेट एलाइड सर्विस प्रीलिम की एक जो एग्ज़ाम होना है इसका, इसके लिए नोटिफिकेशन है। 7 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा आपकी, आप आचार संहिता लगी गई, ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया तो अब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। जब आपका एग्ज़ाम होना है 7 अप्रैल को है, तो 7 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा। और क्लर्क वाले जो, उनका 28 अप्रैल को एग्ज़ाम है, ठीक है, वो आप नोट कर लीजिएगा। क्लर्क का नोटिफिकेशन का हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन से, आप इसको देख लीजिएगा। और अगर आपको हिमाचल प्रदेश जेके की जानकारी चाहिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, अब जो नॉर्मली आपके स्कूल में जेके पूछे जाते थे, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा ना। अगर आपको टेस्ट क्वालिफाई करना है तो जिस तरीके से HPPSC से आप जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन अब उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो 6 मार्च की नोटिफिकेशन थी और जो क्लर्क की थी उसकी जानकारी हमने दे दी। 7 अप्रैल को आपका एलाइड का एग्ज़ाम होगा। और ये देख लीजिएगा किसके द्वारा जानकारी दी गई, एकता गुप्ता, ये HAS सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का लिंक दे देंगे और साथ में जो अदर लिंक हो गए उनको आप चेक कर लीजिएगा। आपके जो एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन हो गए वो आप देख सकते हैं और तैयारी आज से शुरू कर दीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बने रहिए मेरे साथ हिम तक के इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।